अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और पीछे आपको दिख रही है गंगा जी। तो अब हम पहुंच गए हैं कोडियाला। ये है योग नगरी निश्चित रूप से। तो अब हम पहुंच गए हैं देहरादून। तो हमारे घर के पास ही है ये डीकैथलॉन, तो वहाँ हम आए हैं। और यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी डिज़ाइन आ गए हैं। अब तो कितना क्लोजअप सही आ रहा है। तो अब आप वॉइस ओवर करने वाले हो? नहीं, वॉइस ओवर नहीं कर रहे। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं देहरादून, तो आपको अपनी जर्नी दिखाएंगे। अभी हम हैं देवप्रयाग में, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और पीछे आपको दिख रही है गंगा जी। और यहाँ पे आप फ़ोन पे कुछ कर रहे हो। और ये है देवप्रयाग, पीछे है रघुनाथ जी का मंदिर। और अब हम आपको दिखाते हैं संगम। ये है देवप्रयाग और ये आ रही है भागीरथी नदी। ये सामने हाईवे है और ये जो सामने दिख रहा है ये रघुनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पे संगम हो रहा है, वो डार्क कलर की नदी है अलकनंदा नदी। और अब गंगा जी बन गई यहाँ से। जो सामने दिख रहा है ये वाला, ये है संस्कृत विश्वविद्यालय। और यहाँ पे नीचे संगम है इधर पे, और वहाँ से आप गंगा जी दिख रही है आगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग और ये पीछे जो पूरा व्यू दिख रहा है आपको देवप्रयाग का है। पीछे ये रघुनाथ जी का मंदिर है और नीचे भागीरथी नदी दिख रही है और उधर अलकनंदा रिवर है। और आगे जाके संगम होने के बाद यहाँ पर बन जाती है गंगा जी। और पूरा ये और ये ऊपर इधर भी पूरा देवप्रयाग ही है। और यहाँ पे भी घर बने हैं खूब सारे। ये पूरा एरिया नीचे रिवर। तो अब हम पहुँच गए हैं कोडियाला। कोडियाला से ऐसा व्यू दिखाई देता है, ये है गंगा जी। यहाँ से भी रिवर राफ्टिंग करते हैं। और ये है रेस्टोरेंट चाय की, इसमें ऊपर भी है बैठने का। कैमरा खुलते ही चुप क्या। और कोडियाला से भी अच्छा व्यू दिख रहा है गंगा जी का। ये पीछे तो आप देख रहे हैं गंगा रिवर। योग का
प्रचार प्रसार करने में, देश विदेश के पटल में योग का एक, योग को एक नाम देने के लिए इस शहर का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि इसको एक योग नगरी कहा जाता है, और देश विदेशों से लोग योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, और शिक्षा प्राप्त करके फिर देश विदेश में योग का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है और हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। देहरादून सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लव के नाम से ये बस देहरादून के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। डेकैथलॉन में चले। तो अभी हम है डीकैथलॉन में, यहाँ पे अभी कुछ कुछ स्टॉक आ रखा है। तो अब हम पहुँच गए हैं देहरादून, तो हमारे घर के पास ही है ये डीकैथलॉन, तो वहाँ हम आए हैं, तो दिखाते हैं आपको भी कैसा है डीकैथलॉन। यहाँ पे है और इधर भी है, बच्चों का भी है यहाँ पे। ये है भूमि के मतलब की। क्या शूज देख रहे हैं क्या आप? एक ये है बच्चों के सेक्शन में भी काफ़ी आइटम्स हैं, हुडीज हैं, और यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी डिज़ाइन आ गए हैं अब तो। यहाँ पे शूज है, इधर से लेडीज सेक्शन है, देखते हैं। और यहाँ पे भी है, अभी हम है डीकैथलॉन में और यहाँ पीछे टेंट लगे हुए हैं खूब सारे, चेयर भी है, देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, तो ये टेंट काफ़ी अच्छे हैं और इनके साथ चेयर भी ले रखी है बैठने के लिए। मैं कुछ खरीद रहे हैं क्या खरीद रहे हो आप? देखो बैग सही लग रहा है वाला। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ एक तो खरीद रखा है हमने। हाँ तो ये टेंट लगा है, इसके अंदर गद्दे हैं, टेंट तो है हमारे पास, गद्दा देख रहे हैं। तो अभी ये गद्दा देख रहे हैं कैसा है। सही है। तो ये अभी शूज़ देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं। तो अब हमने डीकैथलॉन से शॉपिंग कर ली है और अब हम घर जा रहे हैं।